हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा तो अभी काफ़ी मतलब पोस्ट निकली हुई है, लगभग 1000 के अराउंड। तो ये पोस्ट किस में है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो ये ऑनलाइन फॉर्म है 14/8/2019 से स्टार्ट हो चुके हैं और ये 31/8/2019 तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और इसके बाद जो अभी एग्ज़ाम की जो डेट है, लगभग आप समझ सकते हैं अक्टूबर 2019 या नवंबर 2019 में टेंटेटिव इसकी डेट है। मतलब ये इन्होंने आइडिया दिया है कि इस डेट तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी हम बताना चाहते हैं किस किस की इसमें पोस्ट है, वो चीज़ें आप देखते रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए। तो इसमें जो सबसे पहले वैकेंसीज़ हैं, 790 वैकेंसीज़ हैं क्लर्क्स की, जो काफ़ी मतलब डिस्ट्रिक्ट में है। ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं सारी जो वैकेंसीज़ की डिटेल के लिए कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं। और इसके बाद और भी इसमें वैकेंसीज़ हैं, अभी आप देख सकते हैं। अभी इसमें जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसीज़ हैं 123, और ये भी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग है और कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। तो आप देख सकते हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद सीनियर अकाउंटेंट की इसमें 35 वैकेंसीज हैं और डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग ये आप देख सकते हैं, और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें 30 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट मैनेजर और डेवलपमेंट ऑफिसर, मतलब इनकी वैकेंसीज हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज हैं, स्क्रीनशॉट आप इस चीज़ का ले सकते हैं। इसके बाद अभी आप एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में मतलब क्लर्क के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, जूनियर अकाउंटेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, सीनियर अकाउंटेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी सैलरी है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके बाद एक और पोस्ट है, इसके बाद कितनी इसमें फीस लगेगी वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर और डेवलपमेंट जो ऑफिसर हैं इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी सैलरी है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद कितनी इसमें एग्जामिनेशन फ़ी होगी वो भी आप देख लीजिए। तो जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये है, और इसमें GST ऐड करने के मतलब GST अलग से ऐड होगा। इसके बाद SC, BCA, BCB, EBPG, EWS हैं जो, इनके लिए 300, और जो मतलब वो फीमेल हैं, और ये जो फीस है ये ओनली हरियाणा के जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा इसमें, और एक्स सर्विस मैन है जो हरियाणा के, उनको उनके लिए कोई फीस नहीं है। इसमें जो एज रहेगी वो 18 से 42 साल के बीच में रहेगी, और जो कैटेगरीज हैं उनको इसमें छूट मिलेगी वो आप देख सकते हैं अभी अपनी स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।